ये पांच पौधे आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, जिसमें सबसे पहला पौधा है पान का पौधा, जिसे बहुत आसानी से अभी आप नर्सरी से लेकर के लगा सकते हैं। 20 से 50 रुपए में इसकी इस तरीके की पौधा आपको मिल जाएगी। पान का पौधा बहुत शुभ होता है और इसके पत्तों में ऐसी मान्यता है कि पान के पत्तों को देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है और वास्तु के अनुसार इसे शुभ माना जाता है। यह घर में धन और समृद्धि लाता है। और यदि दिशा की बात करें कि किस दिशा में लगाना है, तो आप उत्तर और पूर्व की दिशा में इसे लगा सकते हैं। पान के पौधे की केयर को जानने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। घर के लिए वास्तु के अनुसार पान का पौधा ऐसे जगह पे रखिए ताकि सबकी नज़र पड़ती रहे और ये मानसिक शांति देने वाला पौधा होता है। ऐसी मान्यता है कि यह घर में सौभाग्य का प्रतीक है और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक संपन्नता को लेकर के आता है। तो पान के पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगला पौधा है तुलसी का पौधा। ये तो हर घर आंगन में देखने को मिल जाता है। तुलसी के पौधे को घर में रखने से सबसे पहली चीज़ होती है कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। बस ये ध्यान रखिए कि तुलसी के पौधे को किसी ऐसे जगह पर ना रखें जहाँ पर कि गंदगी हो या कांटेदार पौधे ऑलरेडी लगे हुए हों। तुलसी के पत्तों का सूखना मुरझाना शुभ नहीं होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि तुलसी जी सूख रही हैं, मतलब आपकी दुख भलाएँ वो अपने ऊपर उन्होंने ले लिया है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाता है तो कभी भी उसे फेंके ना। आप उसकी डंडियों को छोटे छोटे कट कर लें और उसे दिए में डाल करके जलाएं शिवरात्रि के दिन, या फिर आप प्रदीप मिश्रा का उपाय देख सकते हैं। इससे रिलेटेड उन्होंने डिटेल में बता रखा है कि तुलसी के सूखे हुए स्टेम को जलाने से क्या होता है। तुलसी के पौधे को घर में आप लगाइए ऐसे जगह पे जहाँ पर कि इसे धूप मिल सके। खाद की जानकारी, किस कौन सा खाद देना है और किस तरीके के पॉट साइज़ में लगाना है, इसके लिए एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला पौधा है जेड का पौधा। जेड प्लांट एक आप कह सकते हैं कुबेर का प्रिय पौधा है। और आप लोग अब ये बोलोगे कि आपको कैसे मालूम कुबेर का प्रिय पौधा है। देखिए, ये जो कुछ भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, मैं भी कहीं से पढ़ करके हासिल करके दे रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि किताबों में या गूगल पे सारी बातें झूठ झूठ लिखी हुई हैं। पौधे यदि लगाने के शौकीन हैं तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। और यदि वास्तु के अनुसार कुछ पौधे अपने घर में रखना चाहते हैं तो इन पौधों को ज़रूर स्थान दीजिए। जेड प्लांट को तो आप मेन गेट पर भी लगा सकते हैं। गेट से जब आप बाहर निकल रहे हैं तो दाहिने हैंड साइड में देखिए। जब कभी भी मेन गेट के डायरेक्शन की मैं बात करती हूँ तो निकलने के समय की दिशा देखी जाती है। तो निकलते समय जिस तरफ आपका दाहिना हाथ आता है, राइट हैंड साइड आता है, उधर आप इसे लगा सकते हैं। अगला पौधा है अनार का पौधा। ये एक बहुत ही शुभ पौधा है और इसे घर में गमले में बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। इसे आप मुख्य द्वार के दाहिने साइड लगा सकते हैं। जैसे अभी जेड के लिए मैंने आपको बताया, वैसे ही निकलते समय मेन गेट के राइट हैंड साइड में, अपने राइट हैंड साइड में आप लगा सकते हैं। अनार का पेड़ वास्तु के अनुसार माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है और माता लक्ष्मी का पसंदीदा एक कह सकते हैं पेड़ है। तो इसे अपने घर में आप ज़रूर स्थान दीजिए। वास्तु के अनुसार अनार के पेड़ में श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि जिसके घर में अनार का पेड़ लगा होता है उन्हें कभी आर्थिक मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसे लगाते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि यह घर के बीचों बीच ना लगी हो कभी भी। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आपके घर में आंगन है तो कभी भी आंगन के बीचों बीच अनार का पेड़ ना लगाएं। यदि आप हमारी तरह बालकनी में गार्डनिंग करते हैं तो आप 12 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से हाइब्रिड अनार को नर्सरी से खरीद करके लगा सकते हैं। और जो हाइब्रिड वाले अनार होते हैं वो फल फूल देते हैं और उनके अनार बहुत ही अच्छे मीठे भी होते हैं। अगला पौधा है एलोवेरा का पौधा। ऐसी मान्यता है कि एलोवेरा का ये फूल जिस घर में उगता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। हालांकि दूसरे दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो एलोवेरा यदि 2-3 साल पुराना हो चुका है तो उसमें इस तरीके की फ्लावरिंग होने लगती है। एलोवेरा भी माता लक्ष्मी का प्रतीक है, एक औषधीय पौधा है और इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। एलोवेरा के पौधे को बहुत तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बाल झड़ने की समस्या है तो एलोवेरा के पत्तों को पीसकर रात में बालों में लगाइए, अगले दिन वॉश कर लीजिए। यदि गर्मी से फेस जल गया है या सनबर्न की समस्या है तो इससे पीस करके या वैसे भी आप
उस जगह पे लगाइए, 3-4 घंटे बाद धो लीजिए, पिंपल्स वगैरह सारे गायब हो जाते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और एलोवेरा का पौधा आप छोटे बड़े किसी तरह के कंटेनर में लगा सकते हैं। एलोवेरा की पत्तियों को मोटा और घना करने के लिए आप खाद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और वास्तु के अनुसार घर की पूर्व दिशा में एलोवेरा का पौधा लगाने से मन को शांति मिलती है। अब इसका यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखेंगे तो एलोवेरा को धूप की ज़रूरत होती है, ये कभी भी शेड में ग्रो नहीं होता। तो सूर्य की पहली किरण यदि आप ईस्ट में रखेंगे तो पहली किरण मिलेगी और पौधा स्वस्थ रहेगा। हमारा जो वास्तु होता है ये भी एक तरीके का विज्ञान है, और उसे यदि आप अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि गलत कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एलोवेरा के पौधे को आप दक्षिण पूर्व के कोने में भी लगा सकते हैं। तरक्की के लिए भी एलोवेरा को लगाया जाता है। वैसे दिशाओं में यदि आप विश्वास नहीं रखते हैं तो किसी भी दिशा में लगाइए जहां इसे धूप मिल सके। धन्यवाद।